राजस्थान के युवाओं को मंच देने के लिए, उनकी कलाओं को आवाज़ देने के लिए और राजस्थान की समृद्धशाली संस्कृति को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में राजस्थान यूथ फेस्टिवल का प्रावधान रखा था। राजस्थान युवा बोर्ड ने राजस्थान के 352 ब्लॉकों में ब्लॉक लेवल पर यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया, फिर ज़िला लेवल पर, और उन फेस्टिवल्स में जो बच्चे जिन्होंने अपना स्थान अर्जित किया है उनको एक बड़ा मंच देने के लिए राजस्थान युवा बोर्ड 1, 2 और 3 अक्टूबर को जयपुर में राजस्थान युवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित है। और उसमें राजस्थान भर के 10,000 युवा अलग अलग ब्लॉकों से हिस्सा लेंगे और 3 दिन ये कॉम्पिटिशन यहाँ पर चलेंगे। और उसी दौरान 2 अक्टूबर को रात में हमारी कल्चरल नाइट भी रहेगी, जिसमें हमने देश के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध हमारे सिंगर हैं सुखविंदर, उनको हमने बुलाया है। राजस्थान के अलग अलग जो बड़े कलाकार हैं हमने उनको भी इसमें बुलाया है। एक भव्य आयोजन है जिसमें राजस्थान और आसपास के बच्चे हिस्सा लेंगे और उनको आगे भी हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें सिंगिंग, डांस और उसके में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसके साथ कुछ स्पोर्ट्स की कैटेगरीज जो होने वाले हैं उसमें कुछ बिना सांस्कृतिक, जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिताएं, टॉक शो और विभिन्न जो हमारी चित्रकला, हमारी भीति चित्रकला और इन सब चीज़ों पर जो आर्ट, मिट्टी से आर्ट होगा, इस सब का एक मिला जुला एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन ये होने वाला है। और जय हो राजस्थान की थीम और इसके साथ हम हमारे जो संवैधानिक मूल्यों को कैसे बचाएं इसके ऊपर हमारा फोकस जो टॉक शोज रहेंगे, और महात्मा गांधी जी की, जैसा मैंने कहा, जन्म जयंती है तो उनके विचारों को लेकर हम कैसा एक नया समृद्धशाली राजस्थान बना सकते हैं, इस थीम के ऊपर हम लोग काम करें। जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट रहेंगे उनको यहाँ पुरस्कार तो हम देंगे ही, इसके साथ जिस तरह से आउट ऑफ टर्न में जो खेलों में जिस तरह से मौके मिलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि इन बच्चों को भी मौके दें। इसके साथ जो स्टेट, जो नेशनल लेवल हमारा यूथ फेस्टिवल होगा उसमें इन बच्चों को भेजेंगे, और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग जो भी हमारी कार्यक्रम होंगे उनमें इनको आगे रखेंगे। साथ में जो एक दूसरा कार्यक्रम हमारी बजट घोषणा में है कि राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, उसमें इन बच्चों को देश भर में हम लोग एक्सप्लोर करने, देश को जानने हम लोग भेजेंगे, जिसमें वो चाहे कश्मीर जाना चाहें, चाहे केरल जाना चाहें, तो उसके लिए हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि 1 तारीख को राजस्थान में RS प्री का एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहा है। हमने जितने भी हमारे प्रतिभागी थे जिनके कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, हमने उनको कहा है कि आप 2 या 3 तारीख को भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, अपना हिस्सा ले सकते हो। तो कोई भी प्रतिभागी आप लोगों के माध्यम से, हम उनको बताना चाहते हैं कि जो लोग ब्लॉक से ज़िले में आए, ज़िले से आज राज्य स्तर में आ रहे हैं, तो उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं करनी है। 1 तारीख को वो पहले अपना एग्ज़ाम दें, अच्छे से दें, और उसके बाद 2 और 3 को वो अपना यहाँ पर अपना जो भी पार्टिसिपेट जिस भी फील्ड में वो कंडक्ट कर रहा है वहाँ पर वो आ सकता है। हमने उनको सभी को अलाउ किया, तो 2 तारीख को भी जो बच्चे उस दिन आएंगे हम उनका भी रजिस्ट्रेशन करेंगे और 2 और 3 को उनकी प्रतियोगिता करा के उसका निर्धारण करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों तक पहुँचाना चाहते हैं। धन्यवाद। और